हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लीगल कंसेप्ट बाय गोविंद मिश्रा। आज ये जो लेक्चर है वो एमपी लोकल लॉ के बाद है, कंप्यूटर पर बेस्ड है, क्योंकि आपको पता भी है कि कंप्यूटर के पार्ट से करीब 10 क्वेश्चन एमपी जुडिशरी में पूछा जाना है। इसके साथ साथ कंप्यूटर एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर स्टेट के प्री एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं 2 से 4 क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो ऐसे में आपके लिए जो लेक्चर है बहुत ही बेनिफिशियरी साबित होगा, क्योंकि मैंने इस लेक्चर में कंप्यूटर के बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को इसमें नोट किया है और वो मैं आपको डिलीवर करने जा रहा हूँ। इसलिए आप इसको लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिए, सुनिए और कॉपी में नोट करिए, ताकि आपका प्री का एग्ज़ाम एमपी का ज़रूर निकले। इसके साथ ही साथ अगर और भी कोई आप कंप्यूटर से रिलेटेड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए भी आपको ये लेक्चर बहुत फ़ायदेमंद होगा। इस लेक्चर को स्टार्ट करने के पहले आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग इस मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करिए, क्योंकि व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं लेकिन इसको लाइक अच्छा नहीं हो रहा और कमेंट भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप इसको ज़रूर करिए, ताकि मैं आपके लिए जो शानदार लेक्चर आपके लिए अपलोड करूं और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस कंप्यूटर के लेक्चर में आपको कौन कौन से पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए तो अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, कुछ ऐसे फैक्ट यहाँ पर लिखे गए हैं जो आपको याद रखना। जैसे विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था, उसका नाम है ENIAC। ENIAC नाम है, याद रखिएगा, ये ENIAC नाम है। ठीक है, ये विश्व का पहला क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है, दूसरा है कि देखिए कभी पूछ देता है कि कौन से प्रमुख सर्च इंजन हैं, आप सर्च करते हैं ना नेट पे, तो कौन कौन से सर्च इंजन, देखिए यहाँ दिया हुआ याहू है, गूगल है, ये तो सब आपको जानते हैं, इसको आपको सबको पता है, और MSN भी है। ये हैं, क्योंकि कभी पूछ देता है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सर्च इंजन ऑफ द नेट, तो नेट का कौन सा सर्च इंजन नहीं है, ये सर्च इंजन है, इसको देखते रहिएगा। उसके बाद जो तीसरा इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट हुआ है, कहता है कि इंटरनेट पे वो पहला कौन सा न्यूज़पेपर था जो इंटरनेट पर आया था और कौन सी मैगजीन थी, तो द हिंदू, देखिए द हिंदू न्यूज़पेपर जो था सबसे पहले ये इंटरनेट पे उपलब्ध था, उसके साथ साथ इंडिया टुडे की मैगजीन पे। अब आज की डेट में बहुत से मैगजीन्स और न्यूज़पेपर नेट पे आ गए, लेकिन इसके पहले आपको ये दोनों आंकड़े जानना है। ठीक है, अब देखते हैं कि कंप्यूटर के फील्ड में कुछ ऐसी उसमें कौन कौन सी इसके डेटाज होते हैं उसको याद रखिए। जैसे 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं पूछ देता है, तो 1024 बाइट होता है। 1 मेगाबाइट में कितना होता है, 1024 किलोबाइट होता है। ठीक है, और 1 गीगाबाइट में कितना होता है, 1024 मेगाबाइट होता है। तो ये डेटा आप याद रखिएगा, कभी कभी पूछ भी देता है, तो यहाँ पे कंप्यूटर में इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और वो आपको गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए दिया है कि पर्सनल कंप्यूटर पर सबसे पहली बुक किसने लिखा था, तो उनका नाम है टेड नेल्सन। क्या नाम है, टेड नेल्सन जी है, ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पर्सनल कंप्यूटर पर सबसे पहले बुक लिखा है। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर एक होता माइक्रो प्रोसेसर, कंप्यूटर के फील्ड में क्षेत्र में माइक्रो प्रोसेसर क्या है, यह 4th जनरेशन का कंप्यूटर, 4th पीढ़ी का कंप्यूटर है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए प्रोलॉग, प्रोलॉग क्या है, ये 5G यानी 5th जनरेशन का क्या है, 5th जनरेशन का कंप्यूटर है। तो याद रखिएगा, पूछ देता है कि आ जाएगा कि प्रोलॉग है 4th जनरेशन का, 5th जनरेशन का, 3rd जनरेशन का, तो आप इसको याद रखना डेटा। ठीक है, फिर आगे देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था, किसने इसको डेवलपमेंट किया था, जिसका नाम है JS Kilby। क्या नाम इनका है, JS Kilby नाम, तो ये आप इसको याद रखिएगा, JS Kilby का नाम है। ठीक है, कंप्यूटर की जो अशुद्धि होती है, जो इरर्स आता है कंप्यूटर में, उसके लिए उसको क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं। तो पूछ देगा कि बग क्या है, ये कंप्यूटर की अशुद्धि है, कंप्यूटर का इरर है। ठीक है, फिर देखिए फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा था, दुनिया का पहला कंप्यूटर कौन था, तो इसका नाम है Mark 1। क्या था, Mark 1 था, और इसको 1937 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 19, आप इसको ईयर भी याद रखिएगा, कभी ईयर भी पूछ सकता है, 1937 में बनाया गया था। ठीक है, और चार्ल्स वेवेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कंप्यूटर की खोज किया था, चार्ल्स वेवेज, ये याद रखिएगा। ठीक है,
अब अगले टॉपिक आते हैं, कंप्यूटर लिटरेसी डे यानी कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो वह है 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो अब इस कॉलम के जितने भी आपके पास ये जो फैक्ट है इनको आप याद रखिएगा, क्योंकि आपको 10 क्वेश्चन में इस लेक्चर से पूरी उम्मीद है कि कम से कम 80% आने का, यानी 7 से 8 क्वेश्चन इसमें से पूरे आने की संभावना है, इसलिए आप इसको अच्छे से देखिए। अब आगे आते हैं, इसके पार्ट टू पे आते हैं। देखिए इसके बाद कुछ इसके क्या होते हैं, कुछ इसकी इसका फुल फॉर्म पूछता है, ठीक है, कि क्या है वो। तो देखिए पहला है ALU, इसको क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है ये ALU, ठीक है। फिर क्या है, देखिए MICR, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, इसे बोलते हैं MICR। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर आता है OMR, देखिए OMR पे आपको पता है ये आपको अगर मेंस में भी लिखने का आ गया तो OMR सीट पर ही आप प्री का एग्ज़ाम देते हैं, जब ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है तो OMR सीट पर होता है, ठीक है, आपको मिलती है उसको, देखिए रेड कलर की से प्रिंटिंग होती है और उसमें ब्लैक पेन या ब्लू पेन से उसको कलर करते हैं, गोला भरते हैं, सर्किल करते हैं, ठीक है। तो OMR क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये विशेषतः एग्ज़ाम वगैरह के में काम करता है, ये इससे किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है वैन, क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क, बहुत इंपॉर्टेंट, वाइड एरिया नेटवर्क वैन, और एक होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, जानते रहिए, ठीक है। फिर डॉस क्या होता है, डॉस का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिव सिस्टम होता है, तो इसको भी आप फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और यही नहीं, ये लेक्चर विशेषतः बिहार जुडिशरी मेंस देने वालों के लिए भी है, क्योंकि वहाँ से भी 5 से 10 नंबर मेंस में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से देखते रहिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जब आप किसी चीज़ को देखिए कंप्यूटर में टाइप करते हो तो ये अपने आप आ जाता है, ठीक है, इसका क्या नाम है, हाइपर, फुल फॉर्म क्या, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप और लैंग्वेज होता है, ठीक है। अब देखिए फिर एक होता है फैक्स, कहते हैं ना आप लोग, कहते हैं कि इसको जरा फैक्स भेज दीजिए, तो फैक्स क्या होता है, ये पूछता फुल फॉर्म क्या होता है और लिखने का भी आ सकता है, तो फैक्स का मतलब क्या होता है, फार एवे जिराक्स, किसी चीज़ को आप जिराक्स करके स्कैन करके क्या करते हैं, भेज देते हैं, चाहे वो कितना भी दूर एरिया हो, तो फैक्स मशीन से उसको निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो फैक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या दिया, फार एवे जिराक्स, ठीक है। अब देखिए CPU, कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें हैं सब, CPU क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसी को कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं, कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो आप जानते रहिए, पहली बात तो फुल फॉर्म पूछता है, कभी कभी यहाँ पे सेंट्रल दिया कहीं पे कंप्यूटर दे देगा, तो आप यहाँ पे कन्फ्यूजन है, इसलिए इसको लिख करके याद कर लीजिए, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये कंप्यूटर का ब्रेन है, मस्तिष्क है, ठीक है। अब देखिए कंप्यूटर की 2 मेमोरी स्पेशल होती है, ये पहला है रैम, दूसरा है रोम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो टेम्परेरी किस्म की होती है, अस्थाई होती है, यानी कि कंप्यूटर जब बंद करेंगे तो वो डिलीट हो जाती है, ठीक है, ये होती है रैम। लेकिन जो दूसरी मेमोरी जिसे बोलते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये टेम्प्रेरी नहीं होती, परमानेंट होती है, एक बार आप कंप्यूटर कोई चीज़ लिखते हैं तो कंप्यूटर में बनी रहती है, जब आप कंप्यूटर को फिर से स्विच ऑफ करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तब भी वो चीज़ उसमें बनी रहेगी, इसलिए ये परमानेंट मेमोरी होती है, ठीक है। और आपको तैयारी करते समय अपने रोम वाली मेमोरी का यूज़ करना, ध्यान दीजिएगा, रोम वाली मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, रैम नहीं, रोम, ताकि चीज़ें दिमाग में अच्छे से बैठ जाएँ और आप एग्जाम में दी बेस्ट परफॉर्मेंस करके आइए, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, फिर आपको आते हैं ये कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड और भी होते, जैसे मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड क्या होता है, तो मदरबोर्ड क्या होता है, विशेषतः एक सर्किट होता है, क्या होता है, एक सर्किट होता है, ठीक है, और इसमें कंप्यूटर के प्लग लगाए जाते हैं, सर्किट होता है जिसमें कंप्यूटर के प्लग लगाए जाते हैं, ठीक है, तो इसे बोलते हैं मदरबोर्ड, ठीक है। अब उसके बाद होता है, एक होता हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क क्या होता है, हार्ड डिस्क कंप्यूटर के प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए क्या होता है, जो कंप्यूटर के जितने प्रोग्राम होते हैं उनको स्टोर करते हैं, किसमें, हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं, ठीक है। फिर देखिए कीबोर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कीबोर्ड आपको पता है ना, कीबोर्ड से क्या करते हैं, टाइपिंग करते हैं, लिखते हैं उसको, कंप्यूटर के लिए आप देखिए एक
कीबोर्ड होता है, उसे टाइपिंग करने के लिए किया जाता है, लिखने के प्रयोजन से उपयोग किया जाता है। उसके बाद दूसरा है माउस। देखिए बिना माउस के काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि माउस क्या करता है, माउस स्क्रीन पर जो प्रोग्राम होते हैं उनको संचालित करता है, कंडक्ट करता है, रेगुलेट करता है। माउस से आप देखिए सारा चीज़ कंट्रोल करते हैं, तो ये इंस्ट्रूमेंट माउस है, पूछता है, ठीक है। उसके बाद फिर आता है एक इंस्ट्रूमेंट, आता है प्रिंटर। देखिए प्रिंटर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कंप्यूटर पर कोई चीज़ देख रहे हैं, कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, आपको लगा नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसका प्रिंट चाहिए, तो आप क्या करते हैं उसका प्रिंटिंग प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं प्रिंटर। प्रिंटर एक मशीन होती है जिसके द्वारा आपके द्वारा कमांड की गई चीज़ों को जिसको आप चाहते हैं वो आपके ऑफलाइन में आपको प्रिंट के रूप में आ जाती है, इसे बोलते हैं प्रिंटर। प्रिंटर देखिए इसमें कुछ प्रिंटर के इसमें दिया गया, कुछ प्रिंटर कौन कौन है, जैसे इंकजेट है, बबल जेट, लेजर जेट, डॉट मैट्रिक्स, ये कुछ प्रिंटर के प्रकार हैं, कुछ काइंड्स ऑफ प्रिंटर हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए वो है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। इसके आविष्कारक कौन, खोज किसने किया, इसका नाम है टिम बर्नर्स-ली। एग्जाम में आता है, टिम बर्नर्स-ली ने WWW की खोज की है, आविष्कार किया है, याद रखिएगा। फिर देखिए अब एक है माइकल एंजेलो। आप तो समझेंगे माइकल एंजेलो क्या है, बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बहुत बड़ा स्विमर है, तैराक है, एथलीट, ऐसा कुछ नहीं है। माइकल एंजेलो जो है क्या है, वो मुख्य रूप से इसका एक कंप्यूटर का बहुत बड़ा वायरस है ये, जो आपके सिस्टम में क्या अगर आ गया तो सिस्टम को क्या कर देगा, वो रोक देगा, चलने ही नहीं देगा। तो माइकल एंजेलो एक ख़तरनाक किस्म के क्या हैं, वायरस हैं, और इनसे आप लोग दूर रहिए, ठीक है। देखिए फिर आते हैं चुंबकीय डिस्क। चुंबकीय डिस्क क्या होता है, मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है, इसको इम्पॉर्टेंट है। तो ये बेसिकली चुंबकीय जो डिस्क होता है, ये आयरन ऑक्साइड की परत होती है, Fe2O3। आयरन ऑक्साइड क्या फार्मूला है, Fe2O3, और इससे क्या लग जाता है, यहाँ पर परत लगा देते हैं, ठीक है, ताकि उसमें जंग ना लगे, रस्ट ना लगे, ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए अनुपम, अनुपम क्या है, आगे आगे अनुपम है क्या है, बार्क द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। आप कहेंगे बार्क क्या है, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये बार्क है जो इसने अनुपम नाम के सुपर कंप्यूटर को डेवलप किया था, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर, द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड वॉज दैट इज क्रे के वन एस। इसको 1979 में USA की कंपनी का नाम है क्रे रिसर्च, इसी के नाम पे क्रे के वन एस रखा गया है, और ये अमेरिका की कंपनी थी, इसी ने विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था, ठीक है, इसको याद रखिए। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज आपके लिए है, क्योंकि आपको पता है कि एक शतरंज गेम होता है जो बहुत ही दिमागी रूप से तेज़ लोग खेल पाते हैं, और विश्व शतरंज चैम्पियन जो है गैरी कास्परो रहा है, और साथ ही साथ भारत के भी रहे हैं, कौन रहे हैं, विश्वनाथ आनंद रहे हैं, वही शतरंज में रहे। तो एक ऐसा कंप्यूटर था जिसने गैरी कास्परोव को भी पराजित कर दिया था, एग्जाम में कई बार पूछा गया और यहाँ भी आ सकता है। उस कंप्यूटर का नाम है डीप ब्लू कंप्यूटर, IBM कंपनी का, ये ध्यान दीजिए IBM कंपनी द्वारा बनाया गया है, और 1997 में इसने विश्व शतरंज चैम्पियन गैरी कास्परोव को पराजित कर दिया था। ये बहुत ही तेज किस्म का कंप्यूटर था ये, तो इसको भी आपको एग्ज़ाम के लिए याद रखना है, ठीक है। और भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर, भारत में जो पहला कंप्यूटर बनाया गया था वो था सिद्धार्थ, याद रखिएगा सिद्धार्थ। तो इतने जो टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए हैं, मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, इसलिए आप इस लेक्चर को 2 से 3 बार देखिए, और ज़रूरत हो तो अपनी नोटबुक में नोट भी कर लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग जो एग्ज़ाम आपकी 20 मार्च को होना है उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस करिए, अपना सर्वोत्तम करिए, और प्री का एग्ज़ाम पास करिए, और उसके बाद मेंस की तैयारी करिए। तो इस लेक्चर को आप अच्छे से देखिए और इसको लाइक ज़रूर करिए, और हमें आपके कमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि अभी मैं आपको
एमपी का जीएस भी बनाना चाहता हूँ। अगर आप अच्छा कमेंट करेंगे आज इसको देखने के बाद, तो मैं आपके लिए एमपी का जीएस पेपर का जीके पेपर को भी एक पेपर बनाऊंगा आपके लिए, क्योंकि आपने लोकल देख लिया, ये कंप्यूटर हो गया, अगला जो है आपका जीएस के लिए होगा। क्योंकि अगर आपने 40 क्वेश्चन में 30 से 35 सही कर लिया तो यकीन मानिए एमपी में 256 सीट है जुडिशरी की, आप निश्चित रूप से क्वालिफाई करेंगे। और प्री सबसे बड़ा एग्जाम होता है फाइटिंग का प्री, और प्री पास कर लेंगे तो आपकी आधी लड़ाई ऑलरेडी क्लियर हो जाती है। ठीक है, फिर इस लेक्चर को देखिए और लाइक और कमेंट करिए, फिर अगले लेक्चर में आपके लिए मैं लेके आता हूँ। ठीक है, थैंक यू।